मैं 16-17 साल हो गए मुझे स्विमिंग में, और मैं जब एक साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था पैर में। उसके बाद से फिर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिर लड़की होने के बाद फिर रिलेटिव्स का, सोसाइटी का रिएक्शन जो रहता है वो बहुत नेगेटिव होता है। तो उस बेसिस पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं अदर स्टेट की बात अगर करूँ तो उन्होंने कुछ कैश प्राइजेस ऑफर किए हैं प्लेयर्स को कि अगर आप नेशनल्स में या इंटरनेशनल्स में मेडल लेकर आते हो तो वो आपको कुछ कैश प्राइज लाइक 3 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़, आई डोंट नो हाउ, तो वो उसको उनको देते हैं और उनको मोटिवेट। ये बहुत बड़ा कदम है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर कोई प्लेयर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। बट हमारे यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो भी उनका भी ऐसा है 10.1, मतलब अगर 10 नॉर्मल प्लेयर ले रहे हैं तो एक वो हैंडीकैप पर्सन को लेते हैं जॉब के लिए। तो वो रेशियो बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग अगर अच्छा कर रहे हैं कंपेयर देन नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन, तो हम लोगों को भी बराबर से अगर आप मोटिवेट करोगे या बराबर से हमें सारी सुविधाएं देंगे तो हम लोग भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनकरेज कर रहे हैं वो तो आपके सपोर्ट में है ही, बट मैं उनको लेके चलती हूँ जो डिस्करेज कर रहे हैं। वो अगर आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो आपको हौसला नहीं बढ़ेगा कि आप उनको जवाब दें। तो मेरे लिए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने मेरे टांग खींची कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो मैं उनको भी अपने काम से जवाब दूँ। मैंने जहाँ तक देखा है अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि अभी क्या है, सभी लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं हर चीज़ को। अभी आप देख रहे होंगे हर जगह लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ काम किए जा रहे हैं, काफ़ी सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो मैं यही, मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियाँ खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखें तो वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा और बेटर काम कर सकें।